गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हावड़ा में आए हैं दादा के सेटअप पे। दादा को आप सब पहचानते होंगे, बा सभी पहचानते हैं। तो छोदा है मेरे साथ आज, हम तीनों मिलके आपको वेलकम करेंगे कोलकाता लाभबर्ड पे। काफ़ी दिन से प्लानिंग था दादा का सेटअप पे आने के लिए, दादा भी काफ़ी दिन से बुला रहे थे। तो आज फाइनली आए हैं दादा के पास। आके जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, 100 का ऊपर सनकुनूर हमारे आसपास में घूम रहा है, और सिर्फ घूम रहा नहीं है फ्रेंड्स, मतलब नहीं छोड़ रहा है, मतलब अब के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है लोग का, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट था। हम वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली एटमोसफियर, हाँ लाइक मी। तो ये लोग क्या हो रहा है फ्रेंड, इतना बड़ा जगह है, मतलब ये लोग एकदम झुंड बन के फ्रेंड्स फ्लाई कर रहा है इधर से उधर। तो हम लोग बैठ गया है जाके उन लोगों का डिस्टर्ब ना हो, बाकी से जाके इंजॉय ना हो बार्स, और बार्स एकदम नीचे भी आ जा रहे हैं। तो हम लोग सेफ साइड सोचा हमारे लिए भी, बार्स के लिए भी, जो नीचे बैठ के आज वीडियो करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आँखों में प्रॉब्लम है, इसलिए सनग्लास पहन के आज वीडियो करेंगे, आप लोग बुरा मत सोचिएगा। तो दादा को पहले वेलकम करके, दादा कोलकाता लाभबर्ड पे काफ़ी दिन से आपको देखते हैं दादा, आपका जो शौक, आपका जो पैसन, हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, दादा भी देखते हैं। तो हम लोग का काफ़ी ख्वाहिश था आपका सेटअप पे आने का, तो आपने इनवाइट किया इसके लिए थैंक यू दादा आपका सेटअप पे। पहले मैं एक बात बोलूँगा, हाँ। जितना भी फ्रेंड्स ये यूट्यूब चैनल देख रहा है कोलकाता लाभबर्ड्स, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि कोलकाता लाभबर्ड्स कोई भी नया वीडियो अपलोड करे आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अरे थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ तो देखिए, मतलब एक खुशनसीबी है मेरा जो इतना सारा सनकुनूर, मतलब देखिए एक सेटअप बनाना फ्रेंड्स, उसमें 100 का ऊपर सनकुनूर को रखना, पालना, मेंटेन करना, ये नॉट ए मैटर ऑफ जोक। हाँ ये मतलब हम लोग जो बार्स पालते हैं, हम लोग को पता है, हम लोग ये मतलब समझ सकते हैं जो कितना लेवरियस है इतना सारा बड़ा सनकुनूर। तो ड्रीम बार्ड है सभी का, हम सभी का, 100 का ऊपर सनकुनूर को एक साथ रखना, पालना। तो दादा को बोलेंगे दादा ये जो ड्रीम है दादा, ये आपने पूरा कैसे किया, अरे ड्रीम आपका कब से, मतलब ये बार्ड ब्रीडिंग फील्ड आप कैसे आए दादा, थोड़ा अगर आप शेयर करेंगे। बार्ड्स तो मैं बचपन से पालता हूँ, हाँ। तो उस टाइम क्या है मेरा पास छोटा छोटा जो बार्ड्स होता है, फिंच, जावा, बजीज, हाँ। वो सब था। तो उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ नहीं था। आस्ते आस्ते मैं जैसे बिजनेस में, अपना फैमिली बिजनेस है उसमें मैं जैसे एंटर किया हूँ, तो मेरा हाथों में पैसा आया। और बार्ड्स पालने का दो वजह है, एक आपका पैसा चाहिए और स्पेस चाहिए, अदरवाइज आपके शौक पूरा नहीं हो सकता। और क्या है, आप अगर ओपन एवियरी बनाना चाहते हो तो उसमें सनकुनूर बार्ड्स रखना एकदम जरूरी है, विदाउट सनकुनूर बार्ड्स इनकम्प्लीट रहेगा ओपन एवियरी। अच्छा तो दादा आप ये जो सेटअप जब बना रहे थे फेसबुक में, तो हम लोग ने देखा था, लेकिन बड़ा बार्ड्स बा पैरट बा कॉमर्शियल टाइप से दादा आप की, हाँ मतलब ये भी एक नया चीज़ देखा फ्रेंड्स, 100 के ऊपर सनकुनूर एक साथ फ्लाई करके जा रहा है इधर से उधर फ्रेंड्स, जब लोग कुछ डर जा रहा है बा, ये भी हम लोग ने फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो दादा के पास जाएंगे, काफ़ी सारा सवाल पूछेंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के एक्सपीरियंस के वजह, एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन पहले छोदा को जस्ट कहना दादा, हाउ इट फील दादा, फीलिंग आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मैंने इतना फ्रेंडली एटमोसफियर, इतना हेल्दी वर्ड्स,
सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर आके मतलब ये जो शांति व सुकून मिल रहा है, ऑसम ऑसम ऑसम। और हम लोग सिर्फ सान कन्यूर के बारे में बात कर रहे हैं, बट हियर इज नॉट ओनली सान कन्यूर, ये कन्यूर के साथ भी लार्ज ब्रीड बर्ड्स भी है, जैसे मैकाउस, जैसे कॉकेटूज, इक्लिक्टर, ये सब एक साथ रहे ना, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। राइट राइट, ब्यूटीफुल थिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब दादा का डेडिकेशन जहाँ मैं करूँगा, ये सोच था दादा का, जिसके वजह से फैंस आज ये कर पाए, क्योंकि ये करना कोई छोटा बात नहीं है। अभी मुस्तकीन एक बात बोल रहा था कि ओपन एवियरी करने के लिए स्पेस चाहिए और क्या चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात शौक चाहिए, जुनून चाहिए। पैसा और स्पेस तो सभी बहुत सारा आदमी के पास रहता है, मगर कितना आदमी कर सक रहा है ऐसा ओपन एवियरी, कितना है पैसा तो बहुत आदमी का पास है, exactly. एक बात स्पेस भी बहुत आदमी का पास है, जमींदार तो बहुत आदमी है, मगर का बारे में शायद सभी को पता नहीं तो कौन है। तो मैं बोल रहा हूँ लेट सर सुब्रत चक्रवर्ती, आप सभी को मालूम है जो बर्ड्स का लीजेंड है, ये उन्हीं का छोटा बेटा है। तही तो मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए काफ़ी सारा नया फैंसियर हर दिन इस फील्ड में जुड़ रहे हैं दादा, ठीक है, तो हम लोग एज ए सीनियर बा हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, हम लोग को चाहिए जे हम लोग शेयर करें, ताकि जो नया फैंसियर आ रहे हैं दादा, वो लोग को तो नॉलेज मिले ही, और उसके साथ उनको इंकरेजमेंट मिले, इंस्पायरेशन मिले, ताकि एक दिन आगे जाके वो लोग भी दादा इस तरह का सेटअप, इस तरह का एवरी कर सके। हाँ, ये जो आनंद है, ये जो मतलब शांति है, ये और भी फैल सके इंसानों में, क्योंकि देखिए आज इंसान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी प्रॉब्लम में है, हाँ काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका बीच में ये बार्स के साथ हम लोग को जो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, ये जब तक नहीं कोई इस फील्ड पे आएगा, दो बार्स रखेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तब तक समझना मुश्किल है जब बार्स से हम लोग को क्या मिलता है। तो हम लोग का मतलब सभी को कोशिश करना चाहिए जे इस शौक को और भी फैलाया जाए, इस कम्युनिटी को और भी ग्रो कर जाए, नया फैंसर को इस फील्ड पे ले आया जाए, इसके लिए हम सबको मेहनत करना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं फैंसियर से तो एक ही बात बोलूँगा, जो नया नया बर्ड पाल रहा, नया नया बर्ड दो चार दिन पाल के, बहुत सा बंदा ऐसा है बार बार हमको फ़ोन भी करता है, ये प्रॉब्लम हम देखा है, तो उसका बर्ड्स एग ले नहीं कर रहा, बच्चा नहीं हो रहा, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे हम लोग को ऊपर उठने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, स्टेयर का मतलब, तो वैसे बर्ड्स को पालने के लिए ऐसे एक सीढ़ी है, तो पहले आपको बर्ड्स का ऊपर प्यार मोहब्बत वो रखना है, दूसरा उसका डाइट, उसका खाना पीना में आपको ध्यान देना होगा, तीसरा आपका आएगा उसका ब्रीडिंग का, ब्रीडिंग तो बर्ड्स करेगा, तो उसको वैसा एटमोसफियर देना होगा, वैसा समय देना होगा, वैसा डाइट देना होगा, लास्ट में आके आपका ब्रीडिंग होगा, और ब्रीडिंग जरूर होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। दो दिन बर्ड्स पाल के आपका बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहा, ये मत सोचिए, बर्ड्स ब्रीड करेगा, लेकिन उसको उसका समय दीजिए, बर्ड्स को मैच्योरेट होने दीजिए, आपका डाइट ठीक से दीजिए, उसको आप प्यार कीजिए, उसका बाद ही ब्रीड पे आएगा। अच्छा राइट, एकदम सही बोला दादा आपने। तो दादा मैं आपको दो चार चीज़ जानना चाहूँगा, जो पहला बात है, आप इतना सारा बर्ड्स है कैप्टिविटी में, तो आप सनकुनू का ऊपर इतना फोकस क्यों किया, मतलब सनकुनू का आपको कभी पसंद होता है इसी वजह से? सनकुनू मेरा कमजोरी है, कमजोरी है, अच्छा। जितना भी कोनूर बर्ड्स है, प्यार है सब। जितना कोनूर ग्रुप का जितना बर्ड्स है, हमको सबसे अच्छा सनकुनू लगता है। अच्छा। गोल्डन कोनू तो बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सनकुनू को चुना हूँ, और सनकुनू मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो दादा आपने क्या कभी सोचा था बा आपका मतलब प्लानिंग करके कर रहे थे, जो ये 100 का ऊपर दा सनकुनू आपके पास एक दिन होगा, ये क्या आपका एक ख्वाब था बा ये क्या आपका एक ड्रीम था? नहीं, ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, आज 100 है, कल 200 भी हो सकता है, मतलब करते करते हो गया, डेवलपमेंट जरूर जरूर। हाँ राइट, जैसे वो बोल रहा था ना कि सीढ़ी का बात स्टेयर, ऐसे ही मैंने पता नहीं कि इसका बात कौन सा मंजिल आएगा, हम लोगों को भी पता नहीं। तो मैं ये बोल सकते दादा आपका अभी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया है, मतलब ये सारा बार्ड्स के ऊपर जब लगता है जितना भी हम लोग बार्ड्स पालते हैं, हम लोग का मेंटेलिटी थोड़ा पागल टाइप का है, कब क्या करता है हम लोग को पता नहीं है। मान लीजिए मेरे पास अभी 2 मकाव है, इसका आगे भी था, ये मकाव मैं कभी सेल भी कर सकता हूँ, तो मैं वो जो मकाव सेल करूँगा पैसे के लिए नहीं, उससे बेटर कोई बर्ड्स लेने के लिए करूँगा, या बर्ड्स का ही मान लीजिए जो देखने डेवलपमेंट करने के लिए करूँगा, तो बर्ड्स बेच के मुझे पैसा का जरूरत ऐसा नहीं, जो बर्ड्स पालता है सभी बर्ड्स सेल करता है, लेकिन वो सेल करता है उसका और ब्राइट फ्यूचर के लिए। राइट, मतलब आगे का आगे जाने के लिए ऐसा नहीं है जो हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम के लिए। हाँ राइट राइट।
और एक चीज़ दादा आपको कहेंगे, आपका अंदर देखा ब्रीडिंग सेटअप भी है तो उसमें भी हम जाएंगे, लेकिन वो वहाँ पे दादा क्या क्या चीज़ का आपका ब्रीडिंग कर रहे हैं? उधर मेरा जैसे ग्रे का ब्रीडिंग है, अच्छा, आपका इग्लिक्टस का ब्रीडिंग पेयर है, आपका पाइनएप्पल का है, हाँ, ब्लू येलो साइडेड का है, हाँ, सांचिक का है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, मतलब सब बड़ा पैरट का ऊपर आप उधर का ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है, हाँ। तो रिजल्ट कैसे मिल रहा है दादा? रिजल्ट का आपका सेटिस्फाई है जो आपका? हाँ हाँ, रिजल्ट जो है उसमें मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, और लास्ट में जानना चाहेंगे दादा, आगे का आपका क्या प्लानिंग, मतलब आगे आप क्या करना चाहते हैं, आपका ख्वाब क्या है, ड्रीम क्या है इसको लेके? मेरा ड्रीम है, जैसे अभी तो ये छोटा करके कर रहा है, इन फ्यूचर मुझे 2-4 बीघा जमीन लेके एक तो बड़ा प्रोजेक्ट करना है बर्ड्स के ऊपर ही। अच्छा, तो वो मेरा फ्यूचर प्लानिंग है, आप लोग सब सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो होगा। जरूर दादा, जरूर। अब हाँ, मेरा ख्याल में जैसे अविनाश जो बोल रहा था कि जिनाइल पीपल के अंदर अगर बाट का शौक फैलाना है तो दिस टाइप का सेटअप कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इस टाइप का सेटअप में आने के बाद जो जिनाइल पीपल है उसके अंदर भी ऐसा फीलिंग होगा कि ठीक है चलो मैं भी एक। हाँ दादा, देखिए ये चीज़ जो है दादा, देख के किसी को शौक आता है दादा। जू में तो हर कोई चिड़िया देख सकता है, हाँ। वो तो इट्स डिटैचमेंट बाट का साथ, कोई ऐसे तो अटैच नहीं है, ऐसे अटैचमेंट तो नहीं है, हाँ। कि हम बैठा हुआ है तो इधर सब आके बैठ गया। मतलब हम लोग जनरली देखते हैं जो क्या बाट डर के भाग जा रहा है, हाँ। हमको देखे वो दूसरा जगह चला जा रहा है, मतलब हम लोग बाट से भाग रहे हैं, ये एक तो एक्सेप्शनल चीज है फॉर ब्रीडिंग पर्पस, ये जरूरी है वो जैसे, मगर फॉर जनरल पर्पस ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, राइट। और ये सही बात बोले दादा, हाँ, जैसे ये फार्म पे आके जो भी मतलब कोई भी इंसान को अंदर से ख्वाहिश आएगा जब मैं भी जाके दो बार अपने पास रखूँ, सारा दिन का जो स्ट्रेच है ना सब खत्म हो जाएगा। एक बार अगर फार्म में आप घुसिएगा ये बर्ड्स का साथ अटैचमेंट देख के आपका सारा दिन का स्ट्रेच खत्म हो जाएगा। राइट दादा, राइट। मतलब ये बात तो एकदम सच बात है दादा, हम लोग भी देखिए काफ़ी दूर है दादा का फार्म हमारा घर से, हम लोग भी काफ़ी सुबह उठ के काम करके उसके बाद काफ़ी जर्नी करके हम लोग इधर आए, लेकिन आने के बाद फ्रेंड्स ऐसा कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है हम लोग जो पूरा रिफ्रेश हो गया। हम लोग इतना पैसा खर्चा करके घूमने जाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारा पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन इधर आके विदाउट कॉस्ट विदाउट एनी पे हम लोग को इतना रिफ्रेशमेंट मिला, इतना एंटरटेनमेंट मिला, इतना अच्छा लग रहा है जो जो लोग इधर आते हैं बा आ रहे हैं उनको भी पता होगा, और आप लोग भी कभी अगर इस तरह का जगह पे आप आएंगे तो आप लोग को भी पता चलेगा कि इससे हम लोग को कितना सुकून मिलता है, शांति मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। तो इसके लिए सकीन को और एक बात के लिए भी थैंक्स करूँगा, क्योंकि हाँ। वो सिर्फ माने उसको वो जो बर्ड्स माने पाल रहे हैं, नॉट ओनली वो एक सोशल वर्क कर रहे हैं, हाँ। इट्स अ बिगेस्ट थिंग सोशल वर्क, वो उसका एवियरी के अंदर जिनाइल पीपल को अलाउ कर रहे हैं कि फील करो व्हाट इज बर्ड्स, राइट, व्हाट इज रिलेशन विद बर्ड्स एंड मैन, इट्स अ सोशल वर्क। मैं right. इसके लिए उसके पास एक बार और एक बार थैंक यू बोलूँगा। जैसे मैं पहले ही बोला हूँ, मेरा हाँ। पास अगर कोई जीरो लेवल का आदमी आए बर्ड्स देखने के लिए उसको भी अलाउ करता हूँ, और जो हीरो लेवल का है जो जेड कैटेगरी है वो भी अलाउ करता हूँ। इसे सोशल वर्क, क्योंकि बर्ड्स तो बहुत सारा आदमी का पास है, वो तो पूरा के पिंजरा के अंदर है, हाँ। पूरा लॉक करके रख देता है, मगर ऐसे बर्ड के साथ खेलो, जो कोई भी कोई भी आओ देखो, तो देखा है आप लोगों का प्रेजेंट में मेरा किससे बात होता नहीं होता, जो यीशु पठान जैसे क्रिकेट प्लेयर से मेरा वीडियो कॉलिंग में एकदम बात हो रहा है, और आपका प्रेजेंट में आप लोग देखा है। ये दादा आप लोग देखिए देखा इस जगह पे जाने के लिए सिर्फ दादा पैसा या बार्स के लिए दुआ का भी जरूरत होता है, प्यार का भी मतलब जरूरत होता है, जुनून। आप लोग आप जो हाँ आप जो लोगों के इतना एंटरटेनमेंट करते इतना आनंद देते ये दुआ भी दादा आप लोगों को आपका काम आ रहे, और आपका मतलब भगवान से हम लोग यही प्रे करेंगे जो आपका फ्यूचर और भी ब्राइट हो और आप बार्स ब्रीडिंग फील्ड पर और भी आगे जाए दादा, हम सबका दुआ ब्लेस सपोर्ट। हम लोग का मजहब में धर्म में एक तो बात बोलता है, हाँ। तो सब अपना अपना किस्मत लेके आते हैं, हाँ। बट क्या है और एक बात हम लोग का धर्म में बोलता है जो दुआ का असर से आपका किस्मत भी चमक सकता है, राइट, मतलब उसका परिवर्तन ला सकता है, राइट राइट, वो सब दुआ का वजह से, राइट दादा, राइट। और बार्ड्स भी दादा आप इतना अच्छा से रख के इतना अच्छा इनका फीलिंग देते हैं दादा, इतना प्यार देते हैं दादा, बार्ड्स का भी आपके साथ इतना हैप्पी है, आपका अटैचमेंट है, ये भी दादा आपको आगे जाने का आगे ले जाने का दादा काफ़ी का दुआ भी तो है तुम्हारे, हाँ, हाँ। दुआ है दादा, प्यार है, नहीं सकता मगर दुआ दे सकता है, दुआ दे सकता है, प्यार दादा। तो ठीक है, हाँ, दादा का एवरी में आज आए हैं तो सब कुछ देखे हैं, आपको भी बार्ड्स दिखाए हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग दादा का अंदाज जाएंगे ब्रीडिंग सेटअप पे,
ठीक है, और आपका सारा बर्ड्स आपको दिखाएंगे, दादा का ब्रीडिंग सेटअप दिखाएंगे, और उसके साथ कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ बने रहे कोलकाता लव बर्ड के साथ, यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो दादा थैंक यू, आज का ये पार्ट यही बेखत करते हैं। सबाई भालो थाकबेन, सुस्थ थाकबेन, हाँ सबाई भालो थाकबेन, सुस्थ थाकबेन, एवं सबाई पाकिर संगे आनंदेर संगे थाकबेन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।